और हमें जो है सैलरी अच्छी खासी मिल जाए ओके okay, बच्चे तो आज हम जानेंगे हमारा एक ऐसा एग्जाम स्टेनोग्राफी का जिसमें क्या होता है सैलरी आपकी अच्छी होती है और कंपटीशन क्या होता है कम होता है और मजेदार बात कि यहां पर मैथ नहीं आती है ओके okay, बच्चे तो स्टेनोग्राफी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है देखिए स्टेनोग्राफी का जो होता है जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपका पिटमैन हो गया ग्रेग हो गया है तो हमारा पिटमैन ने इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं झाद किया था और स्टेनोग्राफी बेसिकली क्या होती है जैसे कि मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कभी होता है कि वीडियोस कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होते हैं वहां पे स्टेनोग्राफर जो होते हैं वो क्या करते हैं ऐसी लैंग्वेज में क्या करते हैं फटाफट फटाफट जो भी पॉलिटिशियंस या फिर हमारा जो भी लीडर है जो भी स्पीच दे रहा होता है वो उसको फटाफट फटाफट लिख लेता है जैसे कि अगर मैं जो भी वर्ड्स बोल रही हूँ तो क्या आप इसको लिख सकते हो अब मैडम थोड़ा स्लो बोलिए मैडम हमें लिख रहे हैं मैडम इतना तेहात जो है वो तेज नहीं चल पा रहा है लेकिन स्टेनोग्राफर जो होता है वो क्या करता है वो फटाफट मेरी इस लैंग्वेज को वो बहुत ईजिली ट्रांसलेट करके इस लैंग्वेज में लिख सकता है ठीक है तो हमारे स्टेनोग्राफी का काम क्या होता है स्टेनोग्राफर का काम जो होता है वो लैंग्वेज को ट्रांसक्रिप्टेड यानी कि कोडेड लैंग्वेज में चेंज करता है जिससे कि है, है क्या, क्या, क्या हो जिससे कि हमारा जो है कोई भी आम नागरिक जैसे कि अगर मैं बोलूं तो मुझे शॉर्ट एंड नहीं आती है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे उसको ट्रांसक्रिप्टेड लैंग्वेज में भेजा जाता है जिससे कि आम नागरिक प्रायता उसे ना पढ़ पाए ठीक है तो हमारा यहाँ पे कोडेड लैंग्वेज होती है ये ओके एंड हमारा यहाँ पे मेन फीचर यही होता है कि स्टेनोग्राफर वगैरह होते हैं जिससे कि काम जो है वो थोड़ा जल्दी हो है ना हमारा थोड़ा ऐसा नहीं हो कि काम जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि काम अटका हुआ है फटाफट फटाफट से काम हो जैसा जैसा बोलते जाए वैसा वैसा जो है हमारे स्टेनोग्राफर जो है वो करते जाए उसको है ना हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उनको हैंडल करने का काम किसका होता है स्टेनोग्राफर का होता है ओके okay? अगर आप कोर्ट्स वगैरह गए होगे तो जज के पास में एक पर्सन बैठा होता है जो कि मेन जज का हम उसे कह सकते हैं जो कि दाया हाथ होता है दाया हाथ क्यों होता है क्योंकि जितने भी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो किसके थ्रू निकलते हैं वो स्टेनोग्राफर के थ्रू निकलते हैं जिस भी कोर्ट में आपका जहां कहीं भी जाओगे अगर एक जज है तो आपका एक स्टेनोग्राफर जरूर होगा दो लोगों से आपकी जो है कोर्ट चलती चलती तीसरा फिर आपका लॉयर होता है जो कि उसका अलग काम होता है तो अगर हम बात करें आपकी क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पे ट्वेल्थ पास है और अगर आपकी एज जो है वो अट्ठारह से तीस साल तक है तो यहाँ पर आप एस स्टेनोग्राफर के एग्जाम को दे सकते हो अब हमारा सिर्फ एक एस स्टेनोग्राफर नहीं है ये रहे हमारे ऑल ओवर ईयर पूरे साल में स्टेनोग्राफी की अगर मैं 2022 की बात करूं तो इतनी आपकी जो स्टेनोग्राफी के लिए वैकेंसी निकली थी डीआरडीओ में आपकी निकली थी केवीएस नॉन टीचिंग में निकली थी सीआरपीएफ में निकलती है इलाहाबाद हाईकोर्ट डेली हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट अगर मैं कोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम जितनी कोर्ट्स हैं तो वो हमारे स्टेनोग्राफी की वैकेंसी निकालती ही निकालती है ओके बच्चे तो यहाँ पर हमारी ये वैकेंसी अच्छा कम इसमें कॉम्पिटिशन क्यों होता है जो कि मैंने बात करी थी कि हमारा यहाँ पर कंपटीशन जो है वो कम होता है रीज़न क्या होता है कंपटीशन के कम होने का वो ये होता है कि देखिए स्टर्नोग्राफी लैंग्वेज को सीखने में आपके सिक्स टू एट मंथ्स चले जाते हैं छः से देखो लग जाता है जब हम कंपटीशन तो में पार्टिसिपेट करते हैं ना तो हमें लगता है कि दो महीने में कवर हो जाएगा लेकिन प्रैक्टिस करने में हमें उसको रिवाइज करने में उसको उसमें एक्सपर्ट बनने में है ना आती तो है लेकिन क्या हम क्वालिफाई कर सकते हैं जो हमारा स्किल टेस्ट है उसको प्रॉपर से करने में हमें छः महीने निकल जाते हैं और छह महीने में आपके काफी सारे बच्चे रह जाते हैं ओके okay, किसी को इंटरेस्ट आता है किसी को नहीं आता है यहां पर तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसको सीख के आप यहां पर स्टेनो आप यहां पे अपनी गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हो वो हमारी है स्टेनोग्राफर क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती है तो जनरली क्या होता है क्राउड हमारा बाहर हो जाता है अगर सिर्फ एस की बात करूं देखो एस कितने आपके एग्जाम्स कराता है एस जो है यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहला होता है सीजीएल एग्जाम होता है जो कि ग्रेजुएट लेवल पे होता है उसके बाद में कौन सा पेपर होता है हमारा यहाँ पर सी होता है जो कि ट्वेल्थ पास के लिए होता है एम होता है जो कि टेंथ वालों के लिए होता है उसके बाद में हमारा जो है सिलेक्शन पोस्ट जो है वो भी आता है फिर हमारा यहाँ पर जो है जीडी आता है सीपीओ आता है इतने सारे आपके एग्जाम्स होते हैं तो जो 10th पास बच्चा है वो हमारा क्या-क्या कौन से एग्जाम दे सकता है हमारा ग्रेजुएट uh, पास बच्चा एमटीएस दे सकता है सीजीएल दे सकता है हमारा सीपीओ दे सकता है जीडी दे सकता है और उसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट जो है वो दे सकता है इतने सारे एग्जाम्स जो है आपके हर महीने के एग्जाम लग जाता है अब स्टेनोग्राफी का वो पेपर नहीं दे सकता है क्यों क्योंकि स्टेनोग्राफी के पेपर को देने के लिए उसे स्टेनोग्राफी आनी चाहिए है ना नहीं तो वो स्किल टेस्ट में वैसे भी आउट हो जाएगा तो यहां पे कंपटीशन जो है वो आपका हो जाता है बाहर और इसके अलावा सिर्फ एक लैंग्वेज अगर आप सीख लेंगे तो एक लैंग्वेज को सीखने के बाद में देखो एक लैंग्वेज हमने सीखी है उसको सीखने के बाद में हमारे ये सारे जो चीज है मतलब गवर्नमेंट जॉब आप यहाँ पे ये यह समझ लीजिए कि हंड्रेड परसेंट आपकी पक्की पक्की है अगर मैं सिर्फ एस की बात करूं तो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मैथ्स आती ही नहीं है जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है मैथ्स नहीं आती है लैंग्वेज टेस्ट है तो आपका इंग्लिश देखो आती है इसमें इंग्लिश लेकिन आपके इंग्लिश की नॉलेज में ये नहीं कर रही बहुत फाड़ होनी चाहिए क्योंकि सी आपका अलग लेवल होता है यहां पे आप प्रमोशन करके बहुत अच्छे लेवल पर भी पहुंच जाते हो ठीक है तो हमारा यहाँ पर देखिए आपको मैंने बता दी कि इंपॉर्टेंस क्या होती है इस पर्टिकुलर एग्जाम की अब ध्यान से देखिए अगर आप स्टेनोग्राफी करना चाहते हो अगर आप

है ना कहीं पे कुछ चीजें आप भूल जाते हो तो दिस इज ये हमारा जो महापैक है इसमें क्या क्या चीजें कवर हैं 500 हंड्रेड इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस बेसिक शॉर्ट एंड डिक्टेशन क्लास विल बी अवेलेबल इंग्लिश एंड हिंदी स्टेनोग्राफी देखिए आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि इंग्लिश में करना चाहते हो या हिंदी में करना चाहते हो रिकॉर्डेड सेशन अगर आपके मान लीजिए कोई सेशन रह जाते हैं आप देख नहीं पाते हो आपका टाइम जो है आप जॉब कर रहे हो या फिर आप कॉलेज में हो तो अगर आप यहां फॉर एनी रीजन अगर इन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हो लाइव क्लासेस को तो आप यहाँ पे रिकॉर्डेड क्वेश्चंस भी देख सकते हो देन हमारा मेजर पार्ट आता है अगर आपका कोई डाउट होता है तो वहां वो कैसे सॉल्व होगा वो आपका होगा अनलिमिटेड डाउट्स विद एक्सपर्ट तो आप एन नंबर ऑफ डाउट्स पूछ सकते हो ऐसी कुछ आपकी पर्टिकुलर ये नहीं है नंबर्स नहीं है कि नहीं मैं दस ही डाउट्स पूछ सकता हूँ ये सारे एग्जाम्स है जो कि कवर हो रहे हैं सब्जेक्ट्स आपके कौन से कवर होंगे शॉर्ट हैंड डिक्टेशन डिक्टेशन लीगल ये सब कुछ इसमें जो है वो कवर होगा और हमारे यहाँ पे अचल सर जो है जो कि ऑनलाइन की, की एकमात्र फैकल्टी है जो कि आपको डिक्टेशन पढ़ाएंगे ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पर कूपन कोड लगा दीजिए इस पर्टिकुलर एग्जाम बैच को लेने के लिए वाई डबल फाइव नाइन पांच पांच नौ आपका कूपन कोड होना चाहिए जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाए ये रहा हमारा वाई डबल फाइव नाइन ठीक है शॉर्ट हैंड की आपको क्लासेस करने के लिए क्या करना है ये कोड लगा दीजिएगा जिससे कि ये आपको आठ हजार नौ हजार का बैच नहीं होगा सिर्फ उन्नीस सौ चौवन रुपीज का होगा और अगर आप ऐप के थ्रू जाते हैं तो थोड़ा से पैसे और आपके कम हो जाते हैं कोड में बस गलती मत करिएगा कोड आपको यही लगाना है ठीक है जब आप कोड ये लगाओगे तो आपको यहाँ पर गाइडेंस डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा ओके okay, तो कोड ध्यान रखिएगा बेसिक शॉर्ट एंड डिक्टेशन अब अगर आपको यह है कि मैम मैं, मैं शुरू से जो बैच है बाकी का अगर मैं रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है तो सिंपल है आपको देखिए ऑल कोर्सेज पे जाइएगा एस पे जाइएगा एस पे जाने के बाद में ये रहा देखिए रहा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट की हमने बात करी थी अब हमारा यहां पे कहां पे आता है देखिए एस स्टेनोग्राफर ठीक है तो हमारा यहाँ पर ये रहा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और हमारा यहाँ पे क्लासेस जो है सबकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है एस स्टेनोग्राफर की हम किस पे आएंगे एस स्टेनोग्राफर की हम महा पे आएंगे जिसमें आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी हमारी जो है रीजनिंग की क्लास मिलेगी तो बाकी के हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। ओके okay, तो okay, so है आप परचेज कर लीजिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे क्या था? नीचे कॉमेंट करके भी बता दीजिएगा जिससे कि गलत ना हो जाए कूपन कोड ओके बच्चे थैंक यू